स्वाद और सेहत से भरपूर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सोयाबीन और गोभी की ऐसी रेसिपी जिसे आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। आज की इस रेसिपी में जहाँ एक तरफ इसमें ढेर सारे विटामिन है, वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन का ढेर सारा प्रोटीन, मतलब हम कह सकते हैं स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। तो नमस्कार, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। इस जबरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सोयाबीन। इसको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था और जब ये बढ़िया से भीग गए ना, इसके बाद में मैंने अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, मतलब इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, बस हल्का सा मॉइस्चर। अब इस सोयाबीन को हमें पीसना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही पीसना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको पीस लिया है और मैं थोड़ा सा इसको पास से भी दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देख पा रहे हैं आप, छोटे छोटे से इसमें पीसेस हैं, मतलब हमें इसको हल्का सा दरदरा पीसना है, बिल्कुल पाउडर जैसा या पीस जैसा इसका हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इस तरीके से आप छुए तो दरदरा सा महसूस हो। तो चलिए, एक तरफ तो हमारा काम फिनिश हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है फूल गोभी। ये आपको एकदम फ्रेश लेनी है, जो आजकल मार्केट में मीठी मीठी गोभी आ रही है ना, बिल्कुल आप ताज़ी गोभी लीजिएगा और इसको अच्छे से धुल के सुखा लीजिए। इसके बाद में इस तरीके से आप एक लीजिए ग्रेटर और इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से आप ग्रेट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप मोटे ग्रेटर या पतले किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी लग रहा है तो आप इसको कपड़े से छान भी सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। दूसरी साइड में गैस पे चढ़ाते हैं हम कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला हुआ है सरसों का तेल। जब तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए, इसी के साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश तैयार किया था। आप भी कोशिश करें कि अगर आप फ्रेश इसको बना सकते हैं तो फ्रेश ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेश जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। फिर इन सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें करीब 2 से 3 मिनट तक की भूनना है। इसके बाद में मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पतला पतला सा चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसको किसी हैंड क्रशर से भी क्रश करके डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यही देखिए, करीब 4 से 5 मिनट यहाँ पे इसको पकते हुए हो गया है और जो प्याज है हमारा वो भी हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन करना है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को। यहाँ पे मैंने टमाटर को हल्का सा कद्दूकस कर लिया था। यहाँ पे मेरा एक टमाटर काफ़ी खट्टा था तो इस वजह से मैंने 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में टमाटर खट्टे नहीं हैं तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप खट्टे टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये रेसिपी में खटास ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करीब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और ये इसी स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो आप रेड मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाला हुआ है धनिया पाउडर। अच्छा, इस रेसिपी में ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत ही बेसिक मसाले डालते हैं, इसी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। फिर इन सभी चीज़ों को हमें 4 से 5 मिनट तक की बढ़िया से भूनना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, कोई भी कच्चापन इसमें ना रहे। और ये देखिए, करीब 4 से 5 मिनट इसको भूनते हो गया है और साइड साइड में तेल भी रिलीज़ हो गया है। बस इसी स्टेज पर ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरीके से आपको मसाला रेडी करना है। इसके बाद में जो हमने सोयाबीन को पीस के रखा हुआ था ना, उस सोयाबीन को हम यहाँ पे तुरंत तुरंत डाल देंगे। अच्छा, सोयाबीन डालने से क्या होगा ना, इसमें जो भी ऑयल या भी जो भी मॉइस्चर होगा वो तुरंत सोयाबीन सोख लेता है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी आगे इसमें पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे सोयाबीन को आपको 4 से 5 मिनट बढ़िया से भूनना है, क्योंकि इसका कच्चापन में पूरी तरीके से निकालना है। क्योंकि जो सोयाबीन होता है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर होता है इसमें, तो
तो इसलिए यहाँ पे हम सोयाबीन की अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट के अंदर फटाफट ये भुन के रेडी हो जाता है। और सच बता रही हूँ, ये रेसिपी आप इस तरीके से एक बार ट्राई करेंगे ना, तो सच बता रही हूँ, जब भी आपका मन करेगा ना, तो आप ये आलू सोयाबीन का कीमा बना के तैयार करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जब हमारे सोयाबीन अच्छे से भुन जाए, इसी के साथ में जो हमने गोभी को ग्रेट करके रखा हुआ था ना, उसको भी इसी टाइम पे हम डाल देंगे और सारी चीज़ों को एक बार कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। अच्छा, यहाँ पे जो गोभी है ना, इसका क्रंच इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगता है। 2 से 3 मिनट इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ से आप 2 चीज़ें बना सकते हैं, आप इसकी पूरी बना सकते हैं, आप इसके पराठे बना सकते हैं, और तो और आप इसमें थोड़ा सा चावल वगैरह डाल के इसका पुलाव भी रेडी कर सकते हैं। मतलब आपने एक रेसिपी बनाई और 3 तरीके की चीज़ें आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ एक सीक्रेट मसाला। ये कोई गरम मसाला नहीं, ना कोई सब्ज़ी मसाला, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। इस मसाले से ना आपकी रेसिपी का टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सच बता रही हूँ, इसको बनाते बनाते ना मेरा किचन इतना ज़्यादा खुशबू कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ पानी, ताकि जो गोभी वगैरह है अच्छे से सॉफ्ट होके पक जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो सोयाबीन इसमें डाला है ना, तो इसकी वजह से वो मॉइस्चर एक्स्ट्रा सोख लेता है, तो इस वजह से गोभी को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना होता है। और यहाँ पे एक बार इस तरीके से हम अच्छे से इसको चला देंगे, और साथ ही साथ इसको अच्छे से भूनते हुए हम चलाएंगे, क्योंकि इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। पानी तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला है, तो इस वजह से लगने का भी डर रहता है। और इसके बाद में लिड लगा के हम इसको करीब 4 से 5 मिनट तक लिड लगा के पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद में फटाफट लिड को हटा के देखते हैं, और ये देखिए हमारा सोयाबीन गोभी का कीमा बनके तैयार हो चुका है। आप इसको कीमा बोलें या इसकी ड्राई भुर्जी बोलें, आप जो भी मन करे आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ में थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, 1-2 बार इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई पसंद करते हैं या आप इसको हल्का सा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। अगर आप ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसको थोड़ा सा कम पकाइए। अगर ड्राई आप पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से इसको फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। और लास्ट में डालिए इसमें खुशबू के लिए हरी धनिया, करछी से करिए एक बार मिक्स, और लीजिए हमारा सोयाबीन और गोभी का ज़बरदस्त कीमा बनके हो गया है तैयार। तो चलिए फटाफट करते हैं हम इसको सर्व। और इस रेसिपी को आप चावल के साथ में खाइए, पराठे के साथ में खाइए, पूड़ी के साथ में खाइए, या बनाइए आप इससे पुलाव। हर तरीके से ज़बरदस्त लगने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।